सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? और आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता की कृपा से आप सभी का परिवार खुशहाल रहे, प्रसन्न रहे। तो हम काफ़ी दिनों बाद, लगभग 6 महीने के बाद हम दोबारा से अपने ब्लॉग पर आ रहे हैं। और मैं आया हुआ था, दुकान पर आया हुआ था मैं यहाँ पर। तो मैंने सोचा एक बार, यार क्यों ना यार, आज फाइनली यार इतने दिन हो गए, 6 महीने हो गए, एक भी ब्लॉग, एक भी कुछ एक्टिविटी मेरे चैनल को हुई नहीं है। मैंने सोचा क्यों ना अपने चैनल में एक बार यार कुछ वीडियो वगैरह छोटी मोटी बना के डाली थी, बनाने के लिए अभी गणेश गया हुआ है अपने, छोटा सा कोई स्पीकर वगैरह था उसका, तो वो रिपेयर करने के लिए दिया हुआ था। यहीं के पास में एक दुकान है, वहाँ से स्पीकर वगैरह उठाने गया हुआ है अभी। जब तक के लिए हम बैठे हुए थे तो मैंने कहा एक छोटा सा ब्लॉग बना ही लेता हूँ यार। ये हमारा राइडिंग हेलमेट है और ये गणेश अपना स्पीकर ले आ गया, ये ठीक करा कर। ये टीवी लग रहा है भाई, स्पीकर लग रहा है। और ये यहाँ पे बोल लगता है और यहाँ पे इसको ठीक करना चाहिए, नया ही ले लेता यार फिर। यार कैन उठा ले फिर एक यहाँ से। फाइनली हम जैसा आए थे इस वाली कैन को लेने, ये वाली कैन हमारे यहाँ आई थी, हमारी दूसरी वाली दुकान पे ही हमें पहुँचानी है। तो गणेश सुना जल्दी कैन उठा। और उसने अपने मामा को ही लूट लिया, 150 रुपये इन्हीं से ले लिए। ठीक है ना, देख वीडियो में डाल दिया है मैंने, आप बेटा 150 रुपये का याद रखना। क्या लिए थे? डिब्बे लिए थे 280 रुपए के। कह रहा 280 रुपए के डिब्बे लिए थे। देख सॉरी यार, तेरा स्पीकर लेके जा रहा है। ठीक है, लेके जा रहा है, रास्ते में बजाते हुए लेके जाएगा इसको, मस्त बजा लेगा। फोन लगाने की इधर, फोन लगा टीवी की तरह देखो ऐसे रख के। सॉरी, अपने घर बुला रहा है। सौर्या का तो इसने स्पीकर ले लिया, इसने आज बेटा सौर्या का स्पीकर ले लिया इसने, झपट ले। इससे दूरी बने बजेगा, इसमें तो ब्लॉग बनना है। हाँ, वहाँ से चालू हो जाएगा ये, इतनी दूर से। एक काम कर, दुकान पे जाकर खड़ा होगा फिर वहाँ से बजाना, ठीक है? अरे जा, फट गई इसकी आवाज। अरे फट गई इसकी आवाज होशियार। ये सौर्य, ये खाली इसके सौर्य के घर इसलिए आया है ये स्पीकर बजा के चेक करके जा सके जाते हैं। फिर तो अब हम जो है कैन लेके आ चुके हैं, कैन हमने दुकान पर रख दिया है और अभी हम घर की ओर जा रहे हैं। सोच रहे हैं थोड़ी चाय वाय पी लें, एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है तो उसके साथ में थोड़ी चाय पी लेते हैं। चल जल्दी चल, ये चोर आदमी है, देखो कहाँ से ढक्कन उसका सरकंडा सरका रहा है। तो ये कैसे बैठी है? ये पढ़ाई कर रही है, गुस्से में बैठी है तेरे को पीटने के लिए। ऐसा लग रहा है अभी तेरे को स्मूथ कर रख देगी। लगता है व्रत करने का असर चढ़ गया इसके ऊपर। और यहाँ पे ये पढ़ाकू बच्चे बैठे हुए हैं, इन लोगों की पढ़ाई चल रही है यहाँ पे। ये देखो, अरे दिन है इस वक्त तो तुझे नहीं पता क्या है। ओ देखो, ओ देखो कितनी बड़ी पढ़ाकू। अब ये कह रही है वीडियो फिर से बनाओ, इसने एक बार देख लिया, करिए फिर से बनाओ ना मेरी वीडियो। चलो बता क्या बनाना है। रोटी रोटी जबे बने हैं, जबे बने मम्मी। किसको? परी को। तू खाना खाएगी? चल चाचू, चाचू चल, प्रिंट निकलवाना है सरस्वती माता की फोटो का, प्रिंट निकलवाना है, प्रिंटर से निकाल देना। चल चल रही खाने, चाय पी लो अभी, पहले अभी चलते हैं पहले, ठीक है? चाय पी लो फिर चलते हैं। सरस्वती माता का प्रिंट निकलवाना तेरे को? पता है मेन रीजन क्या है? मैं ना कुछ इस वजह से ही ब्लॉग नहीं बनाना चाहता हूँ यार। मेरे को ना कुछ समझ में ही नहीं आता ब्लॉग क्या बनाऊँ, कहाँ बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, मतलब बड़ा कंफ्यूजन जैसा हो जाता है यार। अब मैं जैसे कि अब मैंने ये ब्लॉग बना दिया, अब इस ब्लॉग के बाद पता नहीं, हो सकता है कितने दिनों का ब्लॉग आए, हो सकता है डेली आ जाए मेरा, ये भी नहीं कर सकता। क्योंकि ना मेरे को ना कुछ पल्ले नहीं पड़ता, मतलब
मैं ना एक्सक्यूज ढूंढता हूँ, हालांकि मैं व्लॉग फोन से ही बना सकता हूँ ना, लेकिन मैं क्या ढूंढता हूँ, गोप्रो होना चाहिए। ये एक एक्सक्यूज़ हो गया, मतलब ना काम करने के बहाने हो गए। मैं मतलब ना काम करने के बहाने ढूंढ रहा हूँ। मैं चाहूँ तो अभी फ़िलहाल की जर्नी अपने फ़ोन से भी शुरू कर सकता हूँ। आप लोग तो सपोर्ट फ़ोन से भी करोगे ना, ऐसा तो है नहीं कि मान लो मेरे पास गोप्रो नहीं है तो आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे। आप लोग बराबर सपोर्ट करोगे जरूर ना, आप लोग गोप्रो को सपोर्ट थोड़ी नहीं कर रहे हो या फिर फ़ोन को सपोर्ट थोड़ी नहीं कर रहे हो। आप तो मुझे सपोर्ट कर रहे हो ना, तो आप लोग तब भी मेरे को बराबर सपोर्ट करोगे जब मेरे पास फ़ोन है। आप तब भी मेरे को बराबर सपोर्ट करोगे जब गोप्रो होगा, कैमरा होगा, बड़ी बड़ी एसेसरीज होंगी। तो मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास एसेसरीज़ क्या है, फ़र्क इससे पड़ता है कि आप लोग मतलब कितना हमें सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन मैं बाहर ढूंढता हूँ, मैं कहता हूँ अरे ज़रूरी थोड़ी ना यार हमेशा मैं मोटो ब्लॉग ही बनाऊँ। ठीक है, मेरे पास गोप्रो नहीं है, ठीक है। वैसे कायदे में चाहूँ तो फ़ोन लगा के मोटो ब्लॉग बना सकता हूँ। मैंने काफ़ी सारे ब्लॉगर्स देखे हुए हैं अभी भी अपने यहीं रुद्रपुर में देखे हुए हैं, जो कि मोबाइल लगा के, और एप्पल का फ़ोन नहीं होता है साधारण हमारी तरह भैया एंड्रॉयड, ये लगा के ब्लॉगिंग करते हुए मैंने काफ़ी सारे लोग देखे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप लोग कहते ठीक है मैं तो ब्लॉग नहीं करना चाह रहा हूँ, इससे गोप्रो से करना चाह रहा हूँ, तो हम ये भी कर सकते हैं कि घर पे हैं बाहर हैं तो वो सारे ब्लॉग बना सकते हैं। जरूरी थोड़ी ना मोटो ब्लॉग्स ही बनाए ना, तो लेकिन ऐसा ही है यार, मेरा ना सिस्टम सही नहीं है यार, मैं खुद ही बहाने ढूंढता हूँ। और फिर मेरे को ना थोड़ा समझ में भी नहीं आता यार कि अब जैसे कि मैं घर पे बैठा हूँ, अब ठीक है ये चीज़ मैंने बोली, अब मैं सोचूंगा इसके बाद क्या, मतलब मैं थोड़ा ना सोचने का, लेकिन सबसे बड़ी ब्लॉग क्या होती है, ब्लॉग में ना सोचना कुछ नहीं होता है, सोचना ही नहीं होता है बिल्कुल। जो मन में आए बोल दो, जो कर रहे हो आप दिखा दो, जो करने जा रहे हो दिखा दो बोल दो, तो मतलब यही सब ब्लॉग्स में होता है। ब्लॉग्स में ना सोचा नहीं जाता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब तो फालतू की वो होती है ना बहाने वाली। भैया आई होप आपके लिए हमारा ये ब्लॉग ठीक ठाक ही लगा होगा, सही सलामत लगा होगा। तो भैया लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, आपका मन हो तो, ना हो तो मत करना, आपकी इच्छा यार, हम कौन होते हैं आपसे बोलने वाले यार। तो ठीक है, जय श्री महाकाल, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग में, किसी एक अच्छी सी वीडियो में, कब ये तो वादा नहीं कर सकता। सुबह बाय।